आदरणीय श्री अभिषेक मिश्र जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं लोकतंत्र के संदर्भ में संभावनाओं के बारे में, भविष्य की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। साधारणता आज का जो भारत की जो हम चर्चा करते हैं, तो भारत की चर्चा में हम एक शब्द उसके साथ विशेषण के रूप में लगाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारतवर्ष है। और इस शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं तो ये एक आशावादी दृष्टिकोण हमारे अंतर्मन में झलकता है। वहीं कुछ विचारधाराएं साथ में अपने संबोधन में कहीं ना कहीं से प्रकट होती हैं, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं निराशावादी संभावनाओं को जन्म देती हैं। और समय समय पर लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी बातें अपने आप में आने लगती हैं और ये उन स्थितियों को जन्म देती हैं कि जब आजादी के बाद संविधान की संरचना के हम तमाम एक अर्ध शताब्दी से ऊपर का समय व्यतीत कर चुके हैं और सफलतापूर्वक कई चुनावों का संपादन हमारे देश में हुआ है, और साथ साथ उन तमाम देशों की तुलना भी हम करते हैं जहां चुनाव होने के बाद भी मिलिट्री शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और उन संभावनाओं के तुलना में भारत को जब हम एक दूसरे मापदंड में आंकने का काम करते हैं तो लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लोकतांत्रिक परंपराएं अक्षुण्य हैं या अभी उनमें काफी बात जीवित है जो दूसरे देशों में नहीं है। न्यायपालिका, विधायिका और कहीं कहीं मीडिया के बारे में भी ये चर्चाएं आती हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चार स्तंभ हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या मीडिया हो, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है, ये दीगर है कि भारत में संविधान के प्रति आस्था का भाव बहुमत या कहें अधिकांश या कहें 90% से लोगों का, 95% से ऊपर लोगों का आस्था आज भी अपने आप में सम्मान की दृष्टि से बनता है। समय समय पर जब हम लोकतांत्रिक विचारधाराओं को, जिसमें हम इस बात को समाहित करते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए शासन व्यवस्था को संचालित करने का वो तरीका जिसमें जनता जिसका चुनाव स्वयं करती हो, वो लोकतंत्र है। हम परिभाषित तो करते हैं लेकिन परिभाषित करने के साथ साथ हम अलग अलग व्यवस्थाओं को देखें तो कभी देखकर लगता है कि लोकसभा विधानसभा में, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे संप्रदायवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, एक छदम धर्मनिरपेक्षता के भाव, एक छदम दूसरे प्रकार की आलोचनाओं का केंद्र जब प्रारंभ होता है तो देश की छवि का परिवर्तन, लोकतांत्रिक स्थिति डावाडोल हो रही, ऐसी संभावना भी हमारे सामने दिखने लगती है। हालांकि दुनिया में कार्यशैली अलग है, अलग अलग देशों की मान्यताएं और प्राथमिकताएं अलग हैं। भारत वो देश है जिसकी बोली अलग है, भारत वो देश है जिसकी परंपराएं हर प्रदेश में अलग बन जाती हैं, भारत वह देश है जिसके खान पान कई जगहों पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। फिर कौन सी मजबूती है जो आज भी आजादी के बाद भी हमको लोकतंत्र की रक्षा के लिए सचेत करते हुए, जनता की वो कौन सी ताकत है जो हमें समय के परिवर्तन के साथ हमको सत्ता पर स्थापित करके और सत्ता से विमुक्त भी कर देती है। प्रचंड बहुमत भी आता है और अल्पमत में भी हम बन जाते हैं, अपने बल पर भी हम आते हैं और गठबंधन के लिए हम मजबूर भी हो जाते हैं। ये शायद राजनीतिक परिस्थिति का वो भाग है जिसमें जनता अपनी ताकत को समझने लगी है। और भारत में जिसको कहें अशिक्षा, लोग बोलते हैं कि अशिक्षा का भाव ज्यादा है, कभी कभी दूसरे लोग बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी का दूसरा नंबर है वो भारत का है और विश्व की आबादी का 17% भाग का प्रतिनिधित्व भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में जनित होने वाली ये जनता करती है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी अगर हम देखने लगते हैं तो 45 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो बीपीएल कार्ड धारक की स्थिति में आते हैं,
अल्प आय वाले हैं, और अगर हम देखते हैं तो 20% ऐसे लोग हैं जो अति अल्प आय वाले हैं, और कुल मिला लें तो हमको लगता है 20% से 25% के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको हम धनाढ्य भाव में या सुखी जीवन को व्यतीत करने के लिए जो आर्थिक स्थितियां उत्पन्न होने चाहिए थी उसका संवहन करने वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम इन सारी बातों में जब तुलना करने लगते हैं इस देश में कि वो संपन्न देश हैं लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने वहां पर बनाए क्यों नहीं रख पाते, हम ब्रिटेन की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, या हम उन देशों की बात करते हैं रसा ऐसा देश रूस जो एक अलग विचारधारा साम्य विचार साम्यवाद की विचारधारा में जीता है। अभी मैं वहां के उनका भाषण सुन रहा था, राष्ट्रपति का संसद में दिया, अगर भारत की संसद में इस प्रकार का भाषण होता तो शायद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति होता शायद उसका बहिष्कार करता। उन्होंने वहां पर अल्पसंख्यक या धर्म विशेष को मानने वाले उन लोगों को चेतावनी देते हुए संसद में बोला कि हमारे वहां रहना है तो हमारे कायदे, हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारी प्राथमिकताओं को देखना है। अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म को इंगित करते हुए पुतिन ने भाषण दिया कि हमको उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हमारी आवश्यकता है, इसलिए उनको हमारे वहां पर रहना है तो हमारे अनुसार रहना होगा। ये वो बात है जो लोकतांत्रिक देशों में संभव नहीं है। एक ऐसा देश एक शक्तिशाली राष्ट्रों में नंबर वन नंबर दो की होड़ में हो और वो अपने देश में चुनौती देता हो अल्पसंख्यकवाद को, एक धर्म विशेष को, इस्लाम को या किसी और को, और उसकी संसद ताली बजाकर उसका स्वागत करती हो, ये साम्यवाद में हो सकता है, ये पूंजीवाद में हो सकता है, ये उन देशों में हो सकता है जो हम अपनी परंपरागत वैल्यूज जिनके सोचने की मूल्यों को सोचने का ढंग अलग है। लेकिन भारत ऐसे देश में कोई एक घटना घटती, भारत ऐसा देश विचित्र भाव का देश है जहां पर रेल के अंदर अखबार बेचने वाला देश का मिसाइल मैन बनकर राष्ट्रपति बन जाता है। ये देश वो है जिसको प्राथमिक शिक्षा पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया हो और वो भारत का संविधान बनाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन जाता है। ये वो देश है जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला और घरों में ऑफिस में पोछा लगाने का काम करता हो देश का प्रधानमंत्री बन सकता हो, शायद ये भारत की लोकतांत्रिक विशेषताओं का ही एक अंग है जिसमें जनता जनार्दन अपने पसंद के व्यक्तियों का चुनाव करती है और उनकी प्राथमिकताएं उनकी मान्यताएं देश के संविधान का अनुपालन करने के लिए उनको बाध्य करती है। और जब इसमें कहीं बीच की बाधा आती है तो निश्चित रूप में उसका प्रतिकार जनता अपने मतों के रूप में उनको सत्ता से विमुक्त करके देती है। विश्वास है हमको भारत की संसद पर, विश्वास है हमको अपने देश की न्यायपालिका पर, लेकिन कुछ समय से ऐसा लगता है जैसे चुनाव की बेला आती है तो इन विश्वासों पर से कहीं विश्वास उठाने के सदप्रयत्न, कुप्रयत्न, दुष्प्रयत्न जिनका जो भी नाम दें वो प्रारंभ होते हैं। किनके द्वारा होते हैं, क्यों होते हैं, ये अलग विषय होता है, वो राजनीतिक चर्चाओं का विषय हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप में कहीं के ऐसे दौर आते हैं जहां भारत से उस देश में जिसे सभी धर्मों को चुना हो, पूजा करोगे तो भी हिंदू हो, मूर्ति का पूजा का विरोध करोगे तो भी हिंदू हो, मानोगे तो भी देश के संस्कार में हो, दूसरे धर्म की इबादत करोगे तो भी इस देश के नागरिक हो, सबको समान अधिकार, सबको समान सोचने का अवसर जो देश देता हो, और जिस देश की परंपराएं यह दिखाती हो कि हमने दूसरों को आत्मसात किया है। हमारे वहां पर जो आत्मघाती प्रक्रिया करने वाले जो बाहर के विदेशी आक्रांता आए, सबने लूटा, नोचा, खसोटा, बर्बाद किया और चले गए, एक धर्मशाला के रूप में हमारे देश को बनाया, हमने उनको भी हमने स्वीकार किया। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे हमने हमारी संस्कृति का प्रतिपादन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भोजन करते समय भी हम कहते हैं मानव का कल्याण हो। कौन मानव? जो हिंदुस्तान में रहता है वो भी, जो हिंदुस्तान में नहीं रहता है, जो दूसरे देशों में रहता है उसका भी कल्याण हो, हमारा दुश्मन है उसका भी, हमारा मित्र है उसका भी। इस प्रकार की संस्कृतियों का जो आचरण है वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में बहुसंख्यक विचारधारा का आधिपत्य होने के कारण मैं समझता हूं इस प्रकार की प्रक्रियाएं सफल हुई हैं इस देश में। लेकिन उस देश की चुनाव प्रक्रिया जो समय पर बदलती है, कभी कभी आता है हमको चुनाव प्रक्रिया पे शक होने लगता है, हमको भारत के मतदाताओं पर शक होने लगता है, हमको बैलेट पे शक होने लगता है,
हमको ईवीएम पर शक होने लगता है, हमें चुनाव प्रक्रिया पर शक होने लगता है, हमें देश की कानून व्यवस्था पर शक होने लगता है, हमें भगवान का दूसरा स्वरूप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी शक होने लगता है। हम उस न्यायपालिका के जज के खिलाफ भी, जिस पर भारत की आस्था है जनता की, हम उस पर किसी प्रकार का पटाक्षेप करने पे या उसको किसी प्रकार से दुष्प्रचारित करने पर भी हम जब रहम न कर सकें, तब एक शंका का दौर जरूर गुजरता है, इस देश में क्या लोकतांत्रिक परंपराएं या बोलने की आज़ादी या खुले रूप में एक दूसरे की आलोचना करने का उपक्रम क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी परंपराएं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आघात करने का दुष्प्रयत्न करने का एक प्रमाण पत्र है। अगर नहीं है तो इन विचारधाराओं के पक्ष और विपक्ष में जब देश में खुलकर बोला जाता है और पत्थरबाजी करके सेना पर करने वालों के बारे में भी जब पक्ष और विपक्ष के लोग तैयार हो जाते हैं, जब आज़ादी के नारे लगाने वालों के पक्ष में भी लोग खड़े हो जाते हैं, जब इस देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक जातिवाद और क्षेत्रवाद की बातें किसी के भी द्वारा किसी भी दल के द्वारा उठाई जाने लगती हैं, तब जरूर ये एहसास होता है कि शायद लोकतांत्रिक परंपराएं जो अक्षुण्ण दिखाई पड़ती थी कहीं कमजोर तो नहीं हो रही। लेकिन समय का बदलाव इस देश की यही विशेषता है, ये देश की व्यवस्था यहाँ पर शुरू से प्रतिपादित है। पंचवर्षीय और एक वर्षीय योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो गांधी जी का सपना था कि बहुत लोगों को रोजगार नहीं, हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों को रोजगार चाहिए, यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क का एक अभियान चलाया था भारतवर्ष ने, शायद नेतृत्वकर्ता का भूमिका में आने का सौभाग्य उसे इसी सबकी सहभागिता का भाव, जिसको दूसरे शब्दों में किसी ने परिभाषित किया देश के राजतंत्र ने कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी जब मिलकर काम करेंगे, सबका साथ और सबका जब साथ होगा तभी सबका विकास होगा, इस प्रकार की बातों ने कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहभागिता सबकी बन सके उन संभावनाओं को तलाशने का काम किया है। बदलाव समय का है, अलग अलग परंपराएं हैं, विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद कभी हावी दिखता है, कभी साम्यवाद का प्रभाव दिखने लगता है, कभी समाजवाद अपनी बात को कहने में सफल बनता है, तो कभी एकात्म मानववादी व्यवस्था के बारे में चर्चाओं का दौर होने लगता है। इस सारी व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति कौन है जो हिंदुस्तान में रहता है, अगर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखें, जो दुनिया में रहता है वो भारत से तुलना करता है क्या? एक शब्द ये भी आता है कि भूल गए राष्ट्ररंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी, केवल हम तीन बातों के लिए जीवन जी रहे हैं क्या? ये अगर नहीं जी रहे हैं तो हम किसके लिए जी रहे हैं? हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ साथ दूसरों की व्यवस्थाओं को कर सकें? शायद इन सारी संभावनाओं को खोजने का काम हमारे तमाम प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद आज भी लोकतांत्रिक परंपराओं में मौजूद हैं। चतुर्थ स्तंभ या यूं कहूं कि मीडिया तंत्र की मजबूती भी इस देश की मजबूती रही है, लेकिन कभी कभी जब हम अलग अलग समाचारों का संकलन देखकर आकलन करने लगते हैं कि समाचारों में किस दल का प्रभाव ज्यादा है, तब उस समय जरूर शंका अंतर्मन में उठती है कि मीडिया की स्वतंत्रता में मीडिया के पराभव दृष्टिकोण अगर प्रभावित होंगे तो हमारी व्यवस्थाएं कैसे सुरक्षित हो पाएंगी। लेकिन एक सुरक्षा का कवच है हमारा मीडिया और बखूबी अपना रोल वो अदा कर रहा है। लेकिन उन बातों को अगर हम देखें कि जैसा जहां पर बोलते थे कि पहले कवियों के बारे में बोला जाता था कि जहां पर जाए रवि वहां पर जाए कवि, आज क्या है? आज भारत की व्यवस्थाओं में मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक हो, न्यूज प्रिंट हो या उनसे भी बढ़कर कहीं सोशल मीडिया हो, उसका वर्चस्व हमारी व्यवस्थाओं को तय करता है। पहले राजनीतिक लोग मीडिया का विषय तय करते थे, आज मीडिया राजनीति की दिशा तय करता है। इन सारे दृष्टिकोणों के बीच में कौन किस पर हावी है, इसकी होड़ ना हो। और ये जरूरी है कि हम इन सारी बातों में इस बात का चिंतन करें कि भारत की लोकतंत्र में ही मैं खासतौर से बात कर रहा हूं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अन्य देशों की परंपराओं में अंतर अलग अलग है। नेपाल ऐसा देश था, वहां पर राज्य तंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर हटकर दूसरी प्रकार लोकतांत्रिक परंपराएं आने लगी, लेकिन उसमें विचारधाराओं का
विभेद हुआ। अमेरिका आज अंतर्द्वंद में चल रहा है, ब्रिटेन की वो परंपराएं शायद आज पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समाहित नहीं कर पा रही हैं जिनके लिए वो जाना जाता था। सबकी दृष्टि भारत की तरफ है और भारत में ये व्यवस्था आज मौजूद है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। सबको अपना धर्म की, सबको अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इस अभिव्यक्ति में कभी कभी देश की उन मान्यताओं पर कुठाराघात ना हो इसकी व्यवस्था भी करना सबका नैतिक दायित्व बन जाता है। आज सभी अपना रोल अच्छी तरह अदा करते हैं, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति आती है कि न्यायपालिका में जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे पवित्र स्थान में भी कुछ न्यायविदों को जनता के सामने अपने अधिकारों की रक्षा करते जब कोई सुनता है तो इस देश की जनता में निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ये कसक जरूर आती है कि क्या हम अपनी मान्यताओं से अलग हट रहे हैं, क्या ऐसी भी कुछ शक्तियां सक्रिय हो रही हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, क्या हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूरी में इतनी कमजोर हैं जो हमको इस प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में नारे लगाने पर भी हमें प्रतिकार के बजाय उपकार और उपकार के बजाय एक समय विशेष पर हमें इस बात के लिए भी प्रेरित करती हैं कि देश ने काम करने के लिए हमें सम्मान दिया और सम्मान दिया यही लोकतंत्र है। सभी धर्मों को, सभी कलाकारों को, सभी विशिष्टों को, क्या ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक विचारधाराओं में जल्दी जल्दी हम अवार्ड की वापसी करने लगें और लगे ये कि देश शायद बदल रहा है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जा रहा है? नहीं पड़ सकता, क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, शायद भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक से भी कहीं कई स्थानों पर अल्पसंख्यक को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, जहां एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था आम जनता की है। और जब तक ये बागडोर आम जनता के बीच में होती है तो ये राजनीतिक विचारधाराएं अपना वर्चस्व स्थापित करने में लंबे समय तक सफल नहीं बनती। ये एक अल्पकाल होता है जब इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने में कुछ लोग अपने वैचारिक सोच के कारण सफल हो सकते हैं, राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उस लोकतांत्रिक परंपराओं की समाप्ति में वो एक मात्र दोषपूर्ण ढंग से सहभागिता करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान उनकी हो सकती है, लेकिन वो परिवर्तनकर्ता नहीं बन सकते। आज भी हमारा देश दूसरे देशों से बहुत श्रेष्ठ भाव में है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी समसामायिक चर्चा है। मुझे विषय का बोध नहीं हो पाया था, अभिषेक जी ने मुझसे जब बात की तो मैं कार्यक्रम में था, दूसरी बार जब बात करी तो मैं कहीं और दूसरी जगह पर था। आज सुबह से रात्रि जागरण का कार्यक्रम था, करने के बाद लगातार कार्यक्रमों के बाद सीधे यहाँ पर चला आया। रास्ते में उन्होंने कुल एक दो शब्द मुझे बोले थे, इसलिए मैं हो सकता है कि विषय से की सीमाओं को लांग गया हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि आपने जो भी चर्चा की है डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारत की ये बहुत प्रभावशाली व्यवस्था है। बाबा साहब एक चीज़ बोलते थे कि भारतवर्ष में जब सबसे कुचला पिछला व्यक्ति जब सर्वोच्च सत्ता पर आसीन होगा तब वास्तव में संविधान की रक्षा होगी। हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलता हूँ, आज की राजनीतिक भाषा में लोग दलित, पिछड़ा, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहें, दल कोई आता है, दल कोई जाता है, दल कोई आएगा, दल कोई जाएगा, लेकिन अगर उस शब्दों का हम आकलन कर देखें तो जिसको मैं जातियों में विभेद करता हूँ, हालांकि शीर्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों की जाति नहीं होती, तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़े वर्ग से, देश के राष्ट्रपति अति दलित वर्ग से, लेकिन इनको दलित और पिछड़ा कहकर संबोधित करना अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति उचित न्याय नहीं होगा। लेकिन है ये व्यवस्था, और इस व्यवस्था का कारक सबसे बड़ा है हमारी सकारात्मक सोच, और हमारी सकारात्मक सोच मैंने जैसे प्रारंभिक दौर में कहा था कि वो सब लोगों को मानने वाली व्यवस्थाएं हैं। भगवान को मानो, पूजा करो तो भी आप एक धर्म को मानने वाले हो सकते हो, पूजा का विरोध करो तो भी एक धर्म के हो सकते हो, आप जलाओ व्यक्ति को शरीर छोड़ने पर तब भी आपकी संस्कृति और मान्यताएं एक हैं,
आप जमीन में गाड़ दो तब भी आपकी मान्यताएं एक हैं, यही विविधता है, यही एकता है, यही पहचान है, यही हमारा भारत देश है। और मैं समझता हूं ये भारत देश लंबे अंतराल तक अपनी संभावनाओं, अपनी क्रियाशीलता के कारण जाना जाता रहेगा। मैं पुनः आपके फोरम को, आपके संगठन को साधुवाद देता हूं कि आपने विद्वत पुरुषों के बीच में गैर जानकार व्यक्ति के रूप में मुझे बुलाया और बोलने का अवसर दिया। आभारी हूं, धन्यवाद।